पंजाब की फेरी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने एतराज जताया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में राहुल गांधी के गो बैक के नारे लगाते हुए भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भद्दा मजाक बताया। वहीं ऐसे कई लोग भी थे जिन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। टैक्सी भी चल गई, पीली नंबर प्लेट भी चल गई है। राहुल गांधी देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन जो उसका मकसद है ना, जो पीस पार्टी है, हम ये समझते हैं कि असल मकसद जो है राहुल गांधी का यात्रा करने का भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। ये राहुल गांधी जी जो है वो कहते हैं कि मैंने इतनी लंबी यात्रा निकाली कन्याकुमारी से, मुझे सारा भारत जो है वो सभी धर्मों के लोग मेरी यात्रा में आते हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी फिर आप किसको जोड़ना चाहते हो? हमारा यह मानना कि अगर राहुल गांधी ने यात्रा निकालनी होती इस मुद्दे पे निकालता कि जो पाकिस्तान को जो पीओजे के उसके हवाले कर दिया, थाली में परोस के दे दिया, हमारा 40% जम्मू कश्मीर हिस्सा उसको लेने की बात करता राहुल गांधी। 1962 में चीन को हजारों कनाल इलाका तिब्बत दे दिया, एक्साइज चीन दे दिया, उसको भारत के मिलने की बात करता राहुल गांधी। ये किसको जोड़ने की बात करता है? भारत तो आगे जुड़ा हुआ है, ये तो सब हिंदू मुस्लिम सिखों को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सोच का इंसान जो ये बोलता है कि पांडवों ने नोटबंदी नहीं की, पांडवों ने जो है वो उसको वो जीएसटी लगाई, भैया राहुल गांधी जी को पता कि उस जमाने में क्या था ये है? ये तो पप्पू वाली बात करता है। हम ये समझते हैं पीस पार्टी की तरफ से जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो उनके साथ चल रहे हैं लोग, वो भी पप्पू हैं। हमारा ये मानना पीस पार्टी का, और राहुल गांधी जी को हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति आ रही है, चैन आ रहा है, उसको बर्बाद मत करो। जम्मू कश्मीर को राहुल गांधी जैसे लीडर्स की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सब बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ पे ये उग्रवाद है, ये भी थोड़े दिनों का मेहमान है, ये भी खत्म हो जाएगा। बाकी जो हमारा जो मसला है वो जो पाकिस्तान जो कब्जे में हमारे इलाके हैं या चीन के कब्जे में, उसको भारत में विलय कराना है, उसको जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। ये भारत तोड़ो यात्रा है, जोड़ो यात्रा है। दिल्ली से आए हुए हैं, हम सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारे साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। एक बात बताइए, अगर रैली है तो हम मानते हैं रैली तो ठीक है कहीं तक, एक रोड भी होता है, एक रोड ऐसा होना चाहिए जो कि खाली, बहुत जनता परेशान होती है इसके लिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी की चलो इमरजेंसी हो गई, किसी की एम्बुलेंस में किसी की हालत ख़राब है तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, सब लोग आ रहे हैं, सबकी जॉब है, किसी का पेपर है, ऐसा रास्ता तो होना चाहिए। वो कहाँ पे रुके हुए हैं, इतनी दूर आप रोड जाम कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैल बिहारी है। आपने कहाँ जाना था? मुझे जम्मू कश्मीर माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। यहाँ काफ़ी देर से हम खड़े हुए भी हैं और काफ़ी जाम भी कर रखा है। एक चीज़ बताइए, एक रोड तो खाली रखना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कोई आ रहा है जा रहा है, किसी की इमरजेंसी सेवा भी है, किसी का पेपर भी है, सुबह का टाइम है, किसी की ड्यूटी भी है, उसको भी नहीं जाने दी जा रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं आप, किस लिए सुबह से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ, मैं एक आर्मी में नौकरी करता हूँ, सूबेदार पवन कुमार, मेरी ड्यूटी इस समय बारामूला में है। और मैं इस समय जो पंजाब और जेएनके का जो बॉर्डर है माधोपुर, वहाँ खड़ा हूँ। ये जो जेएनके की पुलिस है, मैंने इनको बताया कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैंने बारामूला पहुँचना है और मेरी आज हाजिरी है वहाँ पर। और मैंने इनको बहुत बोला लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ छोड़ा नहीं है। सुबह से कितनी देर से खड़े हैं आप? मैं कम से कम यहाँ से ना एक घंटे से खड़ा हूँ। क्या क्या कहना पुलिस वालों को? मेरा कहना ये है कि वो ठहरा हुआ है कठुआ में, ठीक है, जिन लोगों ने दिहाड़ी करते हैं, लखनपुर जाना है, बसोड़ी मोड़ जाना है। एक स्कूल की बच्ची अभी मेरे सामने आई थी, उसने बोला अंकल मेरा पेपर है यहाँ पर। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि उसको, बच्ची को बोलते हैं कि यहाँ स्कूटी खड़ी करो और पैदल जाओ,
वो बच्ची छोटी बच्ची, उसने बोला अंकल मेरा एग्ज़ाम है, तो और वो बसोड़ी मोड़ उसका स्कूल है जबकि वो ठहरा हुआ कठुआ में है। इसलिए मेरी ये इनके रिक्वेस्ट है जो अपने साहब से बात करें कि जो एमरजेंसी जाने वाले हैं, मैं एक फौज का सूबेदार हूँ, मैं इनको आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूँ कि मैंने ड्यूटी जाना आज, वो मेरे को नहीं छोड़ रहे हैं।